निजी स्कूल शिक्षिका 24 साल की सोनाली उर्फ सोनी हत्या मामले में डोन चांच के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। बता दें कि 21 मार्च को सोनाली की हत्या स्कूल से लौटते वक्त सुनियोजित तरीके से कर दी गई। मामले में पुलिस ने सरफरे आशिक दीपक साव समेत 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। सोनाली की हत्या मामले से डोमचांच में अब भी भारी आक्रोश है। व्यापारी संघ ने मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग को लेकर बाजार बंद रखा। डोमचांच बाजार में सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं स्थानीय वाहन सड़क पर नहीं चली। सोनाली हत्याकांड मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक से करवाने की मांग तूल पकड़ रहा, पर आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं निजी स्कूल संचालक भी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या तारीख होगा बताओ? उसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ घटना हुआ जो कि हम लोग जो है सब पूरा समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग सब सब्जी वाला बेचने वाले जितना लोग हैं सबको चाहते हैं कि मैंने जो दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। जहाँ तक कोई और सहयोग होगा तो हम लोग और करेंगे। 2028 को सोनाली हत्याकांड को लेकर डोमचांच की तमाम सब्जी विक्रेता आज बंद रखे हुए हैं, उनको इंसाफ का आज बंद रखे हुए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि हमारे गांव की बेटी थी, आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, ये दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लेके डोमचांच की तमाम दुकानदारे अपने अपने स्वेच्छा से बंद रखे हुए हैं। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले, और हमारे जो सांसद महोदय हैं और विधायक है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे आग्रह है कि जो उस बेटी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके उनको इंसाफ दिलावे, और दोषियों को फांसी से फांसी और से उससे ज्यादा कड़ा सजा होता और दिलाने की कोशिश करे। एक मिनट बोल दल पर इतना सुंदर बात बोलने दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।